Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आकांक्षा को जिताने आए थे वैभव कपूर, मगर खुद ही सब कुछ हार बैठे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बड़ी चोट दी है मिस्टर होलकर ने वैभव कपूर को। उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा स्टेप उठा देंगे, मगर उठाया, और ऐसा उठाया कि बोलती बंद कर दी वैभव कपूर की। अच्छा लगा दोस्तों देख के, और आपसे चर्चा तो करूंगी क्योंकि अच्छा लगता है, तो वो भी चर्चा का विषय होना ही चाहिए। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों वैभव कपूर ने जिस तरह से मिस्टर होलकर को बेवकूफ बना के, नशे में उनको रख के, उनके ही ईमेल से खुद ईमेल कर दिया था प्रिंसिपल मैम को, साक्षी की नौकरी चली गई थी, यानी कि ये मिस्टर होलकर के दिल पे बोझ था कि मेरे कारण एक अच्छी, एक ईमानदार टीचर की नौकरी चलेगी, और स्कूल के रूल्स के हिसाब से उसको वापस वो नहीं कर सकते थे। मगर इसका जवाब तो उन्हें वैभव कपूर को देना ही था। जिस तरह वैभव कपूर ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पूरी मीटिंग में, शुरू से उनको लग रहा था कि मिस्टर होलकर तो उन्हीं के साइड में है, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो इतना बड़ा चेक देते हैं स्कूल में, डोनेशन देते हैं या जो भी देते हैं, और दूसरा मिस्टर होलकर को वो हमेशा शीशे में उतार सकते हैं महंगी महंगी स्कॉच पिला के वगैरह वगैरह। मगर जब मिस्टर होलकर का बाप वाला रूप देखा तो वैभव कपूर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में ही उनको धमकाने लग गए कि मैं हूं जो देता हूं इतना बड़ा चेक, क्या करोगे आप कैसे कर सकते हो इतनी बड़ी बात, क्योंकि जो होलकर साहब है उन्होंने वैभव कपूर को ही उनकी डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि अब तुम इस स्कूल में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छा तो ये लगा कि कहां यतु की जो गार्जियन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आकांक्षा को दिलवाने के लिए लाए थे पूरे हक के साथ कि ये तो होना ही होना है, और ना सिर्फ ये होगा बल्कि मानव की भी हम बहुत बेइज्जती करेंगे, और साक्षी को तो हम कर ही चुके हैं, निकाल ही चुके हैं। ये सब सोच के मजे लेने के लिए ये बोर्ड ऑफ मीटिंग थी वैभव कपूर के लिए कि हम मजे लेंगे क्योंकि हमारी ही जीत होनी है, सारी बाजी तो हमारे ही हाथ में है, मोहरे तो हमारे ही हाथ में है। मगर मिस्टर होलकर ने जब अपने असली रंग दिखाए तो वैभव कपूर की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों ये बड़ी हार है वैभव कपूर की, क्योंकि वो हारना पसंद ही नहीं करते। अब इस हार का खामियाजा आकांक्षा भुगतेगी या फिर कौन भुगतेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर फिलहाल इस हार का मजा तो बहुत आया, क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं जब उनको मुंह की खानी पड़ती है तो डेफिनेटली उनका जो अंदर का सिस्टम है पूरा हिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ होलकर साहब ने उनको बाहर निकाला बल्कि कीचड़ तक का उनको तगमा दे डाला कि आप कीचड़ हो वैभव कपूर। तो क्या कहते हो आप, आपको भी मजा आया होगा, क्योंकि ये चीजें जब होती है तो एक्चुअली अच्छा लगता है कि सच के साथ अब भी कोई खड़ा है और हर बार झूठ नहीं जीत सकता। क्या कहना है आपका, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।